हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपना जो मटेरियल लिया है पहले वो जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने अपनी कुर्ती की कटिंग की हुई है सिंपल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी बुकरम ली है जिस पर हम अपना नेक काटेंगे। साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर अपने कुछ ट्रायंगल भी बनाए हुए हैं जिनको हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने एक नेट ली है जो कि हम अपने नेक के अंदर यूज़ करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर अपनी एक लेस भी ली हुई है। ये लेस आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर अपना एक गोल्डन कलर का मैचिंग भी लिया हुआ है। इनकी मदद से हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनकर सामने आएगा। तो दोस्तों, नेक काटने के लिए हमने जो बुकरम ली है उसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। इसके बाद हमें इसमें बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाएंगे अपनी नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान। तो दोस्तों, हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 8 इंच, तो 8 इंच का हाफ करेंगे वो होगा 4 इंच, और हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 4 इंच। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम अंदर की तरफ एक सेफ देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये हमने अपनी सेफ दे दी है। अब हम इस सेफ से बाहर की तरफ 3-3 इंच पर मार्क लगाएंगे सीधे। तो ये 3-3 इंच के मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइन और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करें, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये पीस जो हमारा निकला है इसको आपको फेंकना नहीं है, अभी ये भी यूजेबल है। इसके बाद हम ये जो बुकरम देख रहे हैं इसमें से भी आधा इंच चौड़ी बुकरम निकाल लेंगे गोलाई में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो सेफ है वो कुछ इस तरीके से कट गई है। अब हम इस सेफ को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपकाकर नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना लिया है, ये आप भी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने जो ये अपने ट्रायंगल बनाए थे, इन ट्रायंगल को अपने नेक में फिट करेंगे। तो इनको फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने नेक के बीच सेंटर में मार्क लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम अपना पहला ट्रायंगल इस नेक के बीच सेंटर में रखेंगे, इस तरीके से, देखिए ये देखिए, और इसको अटैच करेंगे यहाँ से लब की सिलाई से। इसी तरीके से हम अपने ट्रायंगल लगाना शुरू करेंगे। अब इस तरीके से देखिए दोस्तों, सारे ट्रायंगल हम अपने पूरे नेक में अटैच कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने सारे ट्रायंगल्स लगा दिए हैं, और लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद दोस्तों, इस लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे अपनी ये नेट जो कि हमने आपको बताई थी, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में इस तरीके से इसको डबल करके बिछाएंगे। देखिए, सीधा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है, अभी अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में हमने अपनी जो बुकरम ये वाली काटी थी, इस बुकरम को इसके ऊपर बिल्कुल मिलाकर रखेंगे, इस तरीके से, देखिए ये हमने मिलाकर रख दिया है। और इसके बाद ऊपर से तो हम बिल्कुल अपनी बुकरम के बराबर काट देंगे, लेकिन गोलाई में आधा आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो ये हमने अपना नेट काट लिया है। इसके बाद चलिए मशीन पर हम इसको अटैच करना बताते हैं। तो पहले हम अपनी नेट को कुछ इस प्रकार से रखेंगे, और इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और जो हमने आधा इंच का मार्जिन दिया है अपने नेट में, उस मार्जिन को दबाते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी नेट अटैच हो गई है, अब चलिए काउंटर पर। तो दोस्तों, नेट अटैच करने के बाद में दोस्तों हम लेंगे अपनी ये वाली बुकरम, इसमें हमने जो ये अपनी गोल वाली मार्किंग लगा रखी है, इस गोल वाली मार्किंग से अंदर की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे।
ये हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पीस है ये अब किसी काम का नहीं है और ये वाला पीस अभी काम का है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले तो हम लेंगे अपना ये नेक जिसमें हमने नेट अटैच की थी, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर अच्छी तरीके से 20 सेंटर की क्रीज बना लेंगे प्रेस की मदद से। यहाँ पर दोस्तों आपको हल्की प्रेस लगानी है, ऐसा ना हो हार्ड प्रेस लगा दें जिसकी वजह से नेट पिलक जाए। तो ये हमने अपनी क्रीज बना दी है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी इस बुकरम को इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद में सेम जिस तरीके से हमारी बुकरम की गोलाई है उसी तरीके से नेट को काट देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है, अब चलिए मशीन पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कटिंग करने के बाद में हमारी जो गोलाई है वो कुछ इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद दोस्तों हम इस गोलाई पर अपनी एक गोल्डन कलर की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है, इसको हम इस तरीके से उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो उल्टी तरफ हमने ये अपना नेक कर लिया है। उसके बाद हम अपनी और एक पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में अटैच करेंगे। दोस्तों ये और एक पट्टी है, इसको हल्का हल्का खींचते रहें आप, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी मशीन में एक सिंगल बूट लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी मशीन में सिंगल बूट लगा लिया है और उसके बाद हमने ये अपने नेक में जो पट्टी अटैच की थी इसको देखिए पहले इस तरीके से सिंगल फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर अपनी एक मोती वाली लेस को भी लगाएंगे। इसको हम पहले इस तरीके से रखेंगे लेस को, ये देखिए, और रखने के बाद जिस तरीके से हमने आपको पट्टी फोल्ड करना बताई थी उसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे। दोस्तों ये काम आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है। अगर आप तेज़ी करते हैं तो आपकी लेस और पट्टी दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। तो ये हमने अपनी लेस और पट्टी को एकदम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पट्टी पर हल्की हल्की प्रेस लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ पर अपनी कुछ इस तरीके की लेस को यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको गोलाई में पूरा सेट कर देंगे। देखिए दोस्तों लेस लगाने के बाद में हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे मोती भी लगा दिए हैं जिनकी वजह से हमारे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।